वेलकम व्यूअर्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा जो मार्च के एंड में मैंने सब्जियों के पौधे लगाए थे। ये घिया का प्लांट लगाया था, करेले का और टिंडे का। तो मार्च के एंड में जैसे ही गर्मी एकदम स्टार्ट हुई, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून गर्मी बढ़ती गई और जो है प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए। पर अब जो बारिशें शुरू हुई हैं जुलाई में, उसके बाद इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है और इसी का अपडेट वीडियो मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए। अब जो करेले की बेल में करेले आने शुरू हो गए हैं, ये देखिए फूल के नीचे छोटा सा करेला एक बना है। इसी तरह से बहुत सारे करेले बन गए हैं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी तो करेले छोटे हैं, तो ये दिखाना अच्छा है कि करेले की स्टार्टिंग कैसे होती है, फूल से करेला कैसे बनता है और छोटा करेला कैसा होता है, फिर धीरे धीरे ग्रो करता है। ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है। बारिशों में पौधों में जैसे नई जान आ जाती है, उसी तरह से देखिए ये प्लांट्स जो हैं कितने हरे भरे हो गए हैं। गर्मियों में बिल्कुल चल नहीं रहे थे। हालांकि कुछ सब्जियां इसमें आई थी, टिंडे और घिया वगैरह, लेकिन वो अच्छे से ग्रो नहीं हुई और बीच में ख़राब हो गई। और बारिशों के मौसम में ये मैंने गुलाब की कलम जो हैं सिंपली एक बॉक्स में कंटेनर में थोड़ा सा पानी डाल करके 2 इंच के करीब उसमें कलम कटिंग करके गुलाब की इसमें छोड़ दी थी और ये देखिए ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। ये देखिए नए पत्ते गुलाब के आ गए हैं। गुलाब की कटिंग पानी में ग्रो करने का ये बेहतरीन तरीका मुझे लगा दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। पानी को मगर एक ज़रूर आपने रोज़ चेंज करना है। ऐसे कहा जाता है कि पानी को 3 दिन में 4 दिन में चेंज कर दीजिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप रोज़ अपने गार्डन में आते हैं और अपने प्लांट्स को देखते हैं, जो कि आपको आना ही पड़ेगा, किसी ना किसी प्लांट्स को पानी की ज़रूरत रहती है और कोई ना कोई मेंटेनेंस करनी पड़ती है डेली, तो आप इस पानी को रोज़ चेंज कर दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा और कलमें जो हैं बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगी। बजाय कि इसको मिट्टी में लगाने के आप पानी में लगा दें, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। उसके बाद इनमें थोड़ी सी जड़ें जब आ जाएंगी तो आप इनको मिट्टी में लगा दें। ये जेड का प्लांट है, इसको भी मैंने प्रोपागेट किया है। ये 3 प्लांट थे मेरे पास, अब मैंने इनकी कटिंग लेकर के, क्योंकि इनकी स्टेम्स काफ़ी बढ़ गई थी, तो कटिंग लेकर के इनकी अलग अलग पॉट्स में लगा के 10-11 प्लांट्स बना लिए हैं। और ये है साइकस पाम, उसके पप्स जो निकलते हैं साइकस पाम के, उसको अगर हम उस पर लगा ही रहने देंगे, जो उसका जो बंच होता है नीचे, तो वो पत्ते जो हैं अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं और पौधे की खूबसूरती ख़राब हो जाती है। तो उन पप्स को निकाल के अलग से ग्रो कर लें ताकि आपके पास वो प्लांट्स और बढ़ जाएं। ये देखिए ये सारे पप्स मैंने, ये कैक्टस के पप्स हैं, ये मैंने कैक्टस के प्लांट से निकाल करके लगाए थे। ये जो है इसका मदर प्लांट है, इसके नीचे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पप्स निकलने और शुरू हो गए हैं। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इनको निकाल करके फिर इसी तरह से छोटे पॉट में अलग ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास अलग अलग प्लांट्स हो जाएंगे। ग्रोथ इसकी बहुत स्लो है, कुछ सालों में दिखने लायक होगा। ये कोलियस की कलम मैंने लगाई थी, जो ये प्लांट्स मेरा आंधी में टूट गया था। ये चीकू का प्लांट है, चीकू के बीज से ग्रो किया है। तो कोलियस का प्लांट मेरा आंधी में टूट गया था, तो उससे मैंने 10-15 कटिंग्स लगाई और लगभग 100% ग्रोथ मिली मुझे। ये है ड्रेसिना कॉम्पैक्टा, इसकी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा फ्यूचर में। ये एक बड़ा प्लांट था, उससे कटिंग लेकर के मैंने इसको अलग से ग्रो किया है, देखते हैं कैसा ग्रो होता है। ये चंपा की कलम लगाई थी, ये टहनी एक टूट गई थी मेरे बड़े पेड़ से, इसको मैंने अलग से ग्रो कर लिया है और इसमें भी ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। बारिशों का मौसम अच्छा रहता है दोस्तों प्लांट्स के लिए, तो आप कोई भी नई ग्रोथ या प्रोपगेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ये देखिए ये मेरा
ओरिजिनल कोलियस का प्लांट है जो कि टूट गया था आंधी में, तो इसमें मैंने उसी में से 5 कलम लगा दिए हैं इसी प्लांट्स के अंदर, इसी पॉट के अंदर, और बाकी की कलम्स मैंने अलग पॉट्स में लगा दिए हैं छोटे छोटे, क्योंकि 15-16 कलम एक ही पॉट में लगाने का कोई सेंस नहीं है। ये पॉट भी अब ये सारी कलम जो हैं ग्रो होनी शुरू हो गई हैं, नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। देखिए इसकी मोटाई देखिए, करीब करीब 1.5 इंच के करीब इसकी मोटाई थी, लेकिन पता नहीं किस वजह से ये आंधी में बिल्कुल जड़ के पास से टूट के अलग हो गया था। ये देखिए सारी कोलियस की कलम जो है यहाँ लगाई हुई है मैंने, और ये सभी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। इसके अलावा भी मैंने लगाई हुई हैं, पॉट्स के अंदर भी लगाई हुई हैं। एक्चुअली कलम इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लगाने की जगह ही कहीं नहीं मिल रही थी, जो जहाँ जगह मिली वहाँ लगा दी मैंने। ये पोर्टुलाका का प्लांट्स है, पोर्टुलाका कई वैरायटीज़ में आता है। देखिए 3-4 वैरायटीज़ मेरे पास हैं, इसमें 5 तरह के फूल आते हैं, 5 रंग के, अलग अलग रंग के। ये इसी की स्टेम्स कटिंग से मैंने इसको दूसरे पॉट में ग्रो किया है। जब ये बहुत सारे प्लांट्स पोर्टुलाका के एक साथ लगे होते हैं, बहुत सारे पॉट्स रखे हों और सभी फ्लावरिंग पे हों, तो इसकी खूबसूरती का आप बयान नहीं कर सकते खूबसूरती को। ये नींबू का प्लांट मैंने ग्रो किया है बीज से, जो अपने घर में नींबू होते हैं उसके बीज लेकर के उनको ग्रो किया है, और ये भी नींबू के प्लांट्स हैं, 5-7 प्लांट इसमें भी हैं, ये सब बीज से ग्रो किए हैं। ये बेजिल का प्लांट है, ये भी बीज से ग्रो किए हैं तीनों। तो कुल मिला के ये इस सीज़न में ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। जो भी बीज जो भी कलम आपने लगाई है वो अवश्य ही ग्रो हो जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और काफ़ी कम मेहनत से आप अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मौसम के अंदर। तो इस मौसम का पूरा फ़ायदा उठाएं दोस्तों। ये अमरूद की कटिंग है, इसकी कलम मैंने लगाई थी, वही पानी में ग्रो कर रहा हूँ। ये एक कलम देखिए ये ग्रो हो चुकी है, इसकी रूट्स आनी शुरू हो गई हैं। और इसी तरह से आप भी कोई भी कलम लगाएं तो कोशिश करें कि पानी में ग्रो करें, पानी में कलम ग्रो होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो फिनिश करते हैं, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, शब्बा खैर।